दस वर्ष में जब से भाजपा की सरकार बनी, सरकार बनने के बाद किस किस्म के हालात देश में रहे, क्या क्या वायदे भारतीय जनता पार्टी देश के लोगों के सामने करके सत्ता में आई, वायदे पूरे करने के बजाय लोगों को परेशान करने का काम किया, ये सारी बातें आपके सामने रखी गई। अगर मैं उन्हीं बातों को धराऊंगा तो बहुत लंबा समय लग जाएगा। पच्चीस मई को लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है और ये जो लोकसभा का चुनाव है ये कोई आम चुनाव नहीं है। हरियाणा प्रदेश के लोगों के लिए इस चुनाव के बाद जो विधानसभा का चुनाव होगा उसमें किसकी सरकार बने इस बात पे भी मोहर लगनी है। हालात आज इस किस्म के है कि लोग मौजूदा सरकार से बहुत दुखी और परेशान है। आज के कोई किसान है, मजदूर है, व्यापारी है, कर्मचारी है, माताएं बहनें हैं, पढ़े लिखे नौजवान हैं, सबके सब सरकार को बदलना चाहते हैं। इस सरकार बनने के बाद महंगाई बढ़ी है, भ्रष्टाचार बढ़ा है। इस सरकार बनने के बाद पढ़े लिखे नौजवान साथियों को मायूस होना पड़ा है, बेरोजगारी बढ़ी है, कानून व्यवस्था खत्म हो गई, अपराध बढ़ गए, नशा बढ़ गया, अनेक समस्याएं लोगों के सामने आई। ये सारी चीजें मैंने 24 फरवरी से लेकर के 15 सितंबर तक जब पूरे प्रदेश में परिवर्तन यात्रा करी थी, जब हमने 2000 से ज्यादा गांव, शहर और कस्बों में गए थे, 4200 किलोमीटर से ज्यादा का पैदल सफर तय किया था, तब गांव गांव के अंदर, शहर और कस्बों के अंदर लोगों से बैठ करके बात करी कि आज कैसे हालात हैं। लोगों ने बहुत खुल करके बताया कि हमारे गांव के स्कूल के अंदर बच्चे पढ़ नहीं सकते, मास्टरों की कमी है, पढ़ाई के लिए प्राइवेट स्कूलों में भेजना पड़ता है, फीस ज्यादा देनी पड़ती है, गरीब का बच्चा पढ़ नहीं सकता। गांव में लोगों ने बताया जहां पीएचसी है, सीएससी है, डिस्पेंसरी है, उनमें डॉक्टर नहीं है, दवाई नहीं है, उसके लिए प्राइवेट हॉस्पिटलों में जाकर के इलाज कराना पड़ता है। सड़कें खत्म हो चुकी थी, पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं, लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब चुनाव आए, कब इनको सत्ता से बाहर करें। लोग कह रहे थे भ्रष्टाचार बढ़ गया, छोटे छोटे काम के लिए पैसे देने पड़ते हैं, इसलिए इस भाजपा की सरकार को सत्ता से बाहर करना चाहते हैं। जहां भाजपा को सत्ता से बाहर करना चाहते हैं वही कांग्रेस पार्टी को भी सत्ता से दूर देखना चाहते हैं। आम लोगों की एक भावना है आज कि हम फिर से चौधरी देवीलाल की नीतियों को आगे बढ़ाएं और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को प्रदेश के अंदर फिर सत्ता में लेकर के आए। प्रदेश में सत्ता में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी तब आएगी जब आप लोकसभा में ज्यादा सीट जीतोगे। आज ये हमारा चौथा लोकसभा क्षेत्र है, अब से पहले तीनों की मीटिंग हुई है। मैं कुरुक्षेत्र के नौ विधानसभा क्षेत्रों की मीटिंग लेकर के आया हूं। कुरुक्षेत्र में एक आम बात चल पड़ी, जो बीजेपी का उम्मीदवार है, कांग्रेस तो वहां मैदान ही छोड़ गई, कांग्रेस ने तो बिल्ली की घंटी आप पार्टी के गले में बांध दी। उनके पास कोई उम्मीदवार नहीं था, कोई चुनाव लड़ने वाला नहीं था, इसलिए उन्होंने सुशील गुप्ता को उम्मीदवार बना करके भेज दिया। और भारतीय जनता पार्टी जो कहती है सबसे बड़ी पार्टी है, जो कहती है 400 पार करेंगे, उस पार्टी की हालत और ज्यादा खराब है। उसको कोई ऐसा कार्यकर्ता अपनी पार्टी का नहीं मिला जिसपे भरोसा करके उम्मीदवार
बना करके लोगों के बीच में भेज देंगे। इसलिए ऐसे व्यक्ति को उम्मीदवार बनाया है जो चंद घंटे पहले कांग्रेस पार्टी में था। 2014 का चुनाव था, आजकल सोशल मीडिया के ऊपर उसकी बहुत चर्चा है। मैं ये बात अपनी पूरी करूं उससे पहले एक बात और कहना चाहता हूं, मैं भूल गया था, आजकल सोशल मीडिया का जमाना है और हिसार की मीटिंग हमारी चल रही है। आजकल हर व्यक्ति जो है, हर राजनीतिक दल कौन क्या कर रहा है, देश में क्या हो रहा है, उसकी जानकारी के लिए सारा दिन टेलीफोन के ऊपर सोशल मीडिया के माध्यम से सारी जानकारियां लेता है। आप लोग भी समय समय पे टेलीफोन को ऑन करके उसके ऊपर जानकारियां लेते हो कि नहीं लेते हो, जानकारी लेते हो कि नहीं लेते हो टेलीफोन? तो सबके पास फोन भी होंगे, अपने अपने फोन निकालो, लाइव करो, ताकि सबको ये पता लगे कि आज हिसार में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की कार्यकर्ताओं की मीटिंग हो रही है और उस मीटिंग में कार्यकर्ताओं का उत्साह देखने वाला है। सारे फोन निकालो तो सही, अपने अपने लाइव करो सारे के सारे। मैं बता रहा था कि सन 2014 का जब चुनाव चल रहा था लोकसभा का, उस 2000 के चुनाव के अंदर हमारे देश का प्रधानमंत्री मित्र भी आया था बीजेपी के उम्मीदवार के पक्ष में प्रचार करने के लिए। और जब प्रचार कर रहा था तो अपने भाषण में मोदी जी ने कहा था कि मैंने तिजोरी के अंदर गहना देखा है, पैसे देखे हैं, सोना और चांदी देखा है, लेकिन एक तिजोरी ऐसी भी है जिसमें 40,000 करोड़ का कोयला पड़ा है। उसका कहने का सीधा सीधा मतलब था कि जो नवीन जिंदल कांग्रेस का उम्मीदवार है, कांग्रेस पार्टी के सत्ता में रहते हुए उसने खाद्यान्न ठेके पे लिए, लीज पे लिए और उनसे 40,000 करोड़ का कोयला निकाल करके बेचने का काम किया, और कह रहे थे कि अगर हमारी सरकार बन गई तो हम इसकी जांच कराएंगे, दोषी पाए जाने पे वसूली करेंगे और इसको जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम करेंगे। सरकार तो बन गई भाजपा की, लेकिन जेल भेजने की बजाय ईडी का डर और भय दिखा करके चंदा ले लिया। माजरा जी बता रहे थे तो कैसे इनसे इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड भरवाए गए, कैसे इनसे हजारों हजारों करोड़ रुपया लिया गया। अब जब कोई उम्मीदवार नहीं मिला तो फिर बीजेपी वालों ने ईडी का डर दिखा करके जिंदल को कहा पार्टी ज्वाइन कर, और इसको अपने पार्टी के हेड ऑफिस में बुलाया, बुला करके गले में पटका डाल करके कहने लगे जा जाकर के कुरुक्षेत्र से चुनाव लड़। टिकट देने से पहले एक काम और किया था, एक वॉशिंग मशीन रखी है आजकल बीजेपी के दफ्तर में और उस वॉशिंग मशीन के अंदर इसको डाल दिया। 35 मिनट बाद बाहर निकाला, निकाल करके कहने लगे अब आप कोयला चोर नहीं कोई नूर हो, अब आप जाओ जाकर के चुनाव लड़ो। लेकिन कुरुक्षेत्र के लोगों ने एक फैसला कर लिया कि जो कोयला चोर है, जो कोई नूर बनकर के आए, हम इसको कोयला नहीं राख बना करके भेज देंगे। यहां से जहां कुरुक्षेत्र जीतोगे वही सरसा की तो वीडियो आजकल आप देख रहे होंगे, भाजपा का कैंडिडेट जिस किसी गांव में जाता है लोग विरोध करते हैं, लोग सामने से सवाल करते हैं और पूछते हैं कि तू जब सांसद था हमारे गांव में 5 लाख कह गया था, 10 लाख कह गया था, आज कैसे आया है? लोग मान के चलो सरसा की जो सीट आए, हर हालत में हालात इस किस्म के कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जीतेगी। अब तक 3 की बैठक रही है जिनमें से 2 में 100% जीतने जा रहे हो। रोहतक के अंदर भी लोगों के उत्साह को देखने वाला था, कार्यकर्ताओं में बहुत जोश था, वहां हालात इस किस्म के हैं
कि जो अपने आप को बड़े नेता कहते हैं कांग्रेस के, ये सब मैदान छोड़ भाग रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जब कहा गया शैलजा की तरफ से कि इनको लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहिए, तो अगले दिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान आ गया, कहने लगा शैलजा को और सुरजेवाला को चुनाव लड़ना चाहिए, मैं तो विधानसभा लड़ूंगा। लोकसभा के चुनाव लड़ने से डर लगता है कि कहीं लोग हरा ना दें, और अब लोग इसलिए हराएंगे इन कांग्रेसियों को, इन कांग्रेसियों का भी असली चेहरा बेनकाब हो गया, सबके सामने आ गया। जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान किस तरह से भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उस आंदोलन से दूरी बनाकर के रखी थी, उस आंदोलन में अगर किसी ने सबसे ज्यादा बड़ी भूमिका निभाई, उस आंदोलन का कोई समर्थन किया, तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया। हमारा कार्यकर्ता किसी भी जाति से संबंध रखता था, लेकिन आज उस आरक्षण के हक में उसके भी जितनी उससे जिम्मेवारी निभा सकता था उतनी निभाने का काम किया। उस वक्त भारतीय जनता पार्टी ने षड्यंत्र के तहत राजकुमार सैनी को पूरे प्रदेश में भेजा, 35 और 36 जात के नाम पे हरियाणा प्रदेश को बांटने का प्रयास किया गया। हमें आपस में लड़ाने के लिए जय रूड़ा, हमने उसका विधानसभा में भी विरोध किया और बार भी विरोध किया, लेकिन हुड्डा ने और कांग्रेस ने एक बार भी उसके खिलाफ एक शब्द नहीं बोला। आज उनका असली चेहरा सामने आ गया। राजकुमार सैनी ने जब हुड्डा से मुलाकात करके कांग्रेस पार्टी को जाकर के समर्थन दिया, आज रोहतक और सोनीपत का व्यक्ति जो है इस बात का इंतजार कर रहा है कि हुड्डा कब चुनाव मैदान में आए, कब हम इसकी तसल्ली बिठाएं जिसने हमारे हरियाणा प्रदेश को जलाने का काम किया। वो लोग इसलिए इंतजार कर रहे हैं कि उनके 32 बच्चों को बेवजह मौत के घाट उतार दिया था, अब वो बीजेपी से भी और कांग्रेस से दोनों से बदला लेना चाहते हैं। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं वहां पे भी कि जिसको हमारी पार्टी से उम्मीदवार बना करके भेजेंगे वो बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी। ऐसे हालात भी पैदा हो सकते हैं, कोई सोच सकता था कि पंजाब में आप पार्टी की सरकार बन जाएगी, पंजाब के अंदर कांग्रेस को, अकाली दल को, भाजपा को, सबको धूल चटा दी लोगों ने और आम पार्टी की सरकार बना दी। आज हरियाणा में भी ऐसे ही हालात हैं। ये ज्यादा बड़ बोल रहे हैं, जो ज्यादा बड़ी बात करते हैं, आज उनका सफाया होता जा रहा है। ये जेजेपी वाले जो है सारा दिन इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को कोसने का काम करते थे। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने तो लोगों के दिलों में जगह बना ली, इनकी रांझ कट गई। कट गई कि नहीं कट गई? कहीं कोई एक गांव के अंदर भी एक कार्यकर्ता झंडा उठाने वाला नहीं है, पूर्ण रूप से साफ हो गए। जहां इनकी सफाई होगी अब की बार, क्योंकि लूटने और झूठ बोलने वाला आदमी ज्यादा दिन तक लोगों के बीच में रह नहीं सकता, टिक नहीं सकता। ये तो लूट और झूठ की दुकान थी, ये बंद होगी। मैंने एक बात कही थी, राजस्थान के अंदर जब चुनाव में गए थे, मुझे पत्रकारों ने पूछा था कि इनका क्या होगा। मैंने कहा एक फिल्म थी दो जासूस, उसका एक गाना था, दो बेचारे बिना सहारे बिन ताले की चाबी लेके फिरते हैं मारे मारे। जो हालत की राजस्थान में हुई थी, नोटों से भी कम वोट मिले थे, वही हालत हरियाणा प्रदेश में हो जाएगी, साफ हो जाएंगे पूरी तरह से। जहां इनकी सफाई होगी, वही भाजपा और कांग्रेस को भी लोग जाए 10 साल कांग्रेस का राज भी देख चुके, 10 साल बीजेपी का भी देख चुके, अब तो दोबारा चौधरी देवीलाल की नीतियों में विश्वास करके आगे बढ़ने का काम करेंगे, जिताने का काम करेंगे। आज हिसार की बैठक है, आप सब साथी आए हुए हो, आपके जुम्मे जिम्मेवारी लगा करके जाता हूं कि अपना अपना बूथ जीतने का काम करो। अगर अपना अपना बूथ जीत जाओगे तो फिर लोकसभा में आपको कोई हराने वाला नहीं है, हर हालत में आप लोकसभा जीत जाएंगे। या तो कांग्रेस के पास तो अब तक कोई उम्मीदवार आया ही नहीं, और भारतीय जनता पार्टी की हालत ऐसी है, ऐसे उम्मीदवार को लाकर के खड़ा किया जिसने एक बार सन 1998 में भी यहां से चुनाव लड़ा था और 85,000 वोट लेकर के जमानत जब्त करा करके गया था।
चौधरी रणजीत सिंह ने चुनाव लड़ा था कि नहीं लड़ा था तुम्हारे यहां से? 85,000 वोट मिले थे, जमान जब्त हुई थी। अब के बार मुझे लगता है 40,000 पार भी नहीं करेगा, क्योंकि सारी बीजेपी में निराशा है। जितने भाजपा के नेता है, चाहे वो अखबारों में कोई भी बयान दे, मैं खुल के कह सकता हूं हम आदमपुर के अंदर बहुत बड़े मार्जिन के साथ जीत करके आएंगे। आदमपुर के लोग रणजीत सिंह पे विश्वास भरोसा नहीं करेंगे, वोट नहीं देंगे। उनके साथ भाजपा ने बहुत बड़ा दगा किया जब वहां बाई इलेक्शन था, कुलदीप ने इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद जब भव्य बिश्नोई चुनाव लड़ रहा था, मुख्यमंत्री ने हाथ पकड़ के आदमपुर की सभा में कहा था कि आप इसको जिता करके भेजो, मैं इसको मंत्री बना करके भेजूंगा ताकि आपकी सेवा करें। जहां जनता के साथ धोखा किया, वहां कुलदीप को भी बेचारे को हाशिए पर जाकर के खड़ा करने का काम किया। अभिमन्यु जो है कैप्टन, वही उसी के साथ हुआ है। जो भाजपा के सही मायने में यहां नेता थे, सबको दरकिनार कर दिया, किसी से पूछा नहीं इन्होंने, बिना पूछे ऊपर से थोपड़े का काम किया है। इसलिए भाजपा का एक एक कार्यकर्ता जो निराश है, वो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के पक्ष में वोट डालने का काम करेगा। कांग्रेस का तो दिवालिया पीटा हुआ है, कांग्रेस के पास कोई उम्मीदवार है ही नहीं। कांग्रेस पार्टी ने तो भाजपा वालों से उधार लिया है, इस ब्रजेंद्र को टिकट देकर के भेजेंगे। चर्चाएं तो बहुत नामों की है, लेकिन उसने जब कांग्रेस ज्वाइन करी थी, उससे पहले यह फैसला हो गया था कि इसी को लड़ाया जाएगा। उसको तो जो लड़ा दिया तो उचाणे वाली सीरिया काट देंगे अकेले, औरों की जरूरत ही नहीं पड़ी, उचाणा में ही साफ कर देंगे। आगे और तगड़ा हो गया जिताओ। मेरा कहने का मतलब है कि आज इन दोनों राजनीतिक दलों से लोगों का विश्वास उठ चुका है। अब तो केवल हर व्यक्ति की सोच है कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को ताकतवर बनाएं और इस लोकसभा के चुनाव में ज्यादा से ज्यादा उम्मीदवार उनके जिताएं। जब आपके ज्यादा उम्मीदवार जीतेंगे तो फिर अक्टूबर के अंदर जब विधानसभा का चुनाव होगा, तो हर हालत में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार बनेगी, कोई रोक नहीं सके। अपनी सरकार बनाने के लिए अपना बूथ जीतना, जब अपना बूथ जीत जाओगे तो आने वाली सरकार भी आपकी बनेगी, लोकसभा में आपके ज्यादा मेंबर जीत करके जाएंगे।